दोस्तों भारतीय टीम को मिली दूसरे वनडे में करारी हार, जिसके बाद ड्रेसिंग रूम में मच चुका है हाहाकार। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान दूसरे वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद पूरी तरह बौखला चुके हैं और तीसरे वनडे से पहले पूरी टीम को ही बदलने पर आ गए हैं। तो कौन है वो खिलाड़ी, किस पर कप्तान रोहित की गिरेगी गाज, कौन होगा टीम से बाहर और कौन आएगा नया प्लेयर अंदर, बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक व चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दोनों टीमों की नजरिए से देखें तो यह तीसरा ओडीआई बहुत अहम मैच होने वाला है। यह करो या मरो वाला सीरीज डिसाइडर मैच होने वाला है। जो टीम इस मैच को जीतेगी वह सीरीज भी अपने नाम कर लेगी। तो दोस्तों इस मैच में दोनों ही टीमें अपनी पूरी ताकत से खेलने वाली है और अपनी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 इस मैच में उतारने वाली है। तो दोस्तों मैच की बात करें तो यह मैच तमिलनाडु के एमए चिदंबरम में 22 मार्च को 1:30 बजे खेला जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय टीम में होने वाले बदलावों के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव नंबर 4 पर खेलने वाले सूर्य कुमार यादव के रूप में होगा। जी हां दोस्तों, अब कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ की नजरों में यह खिलाड़ी पूरी तरह आ चुका है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव की बात करें तो लास्ट 10+ इनिंग में सूर्य कुमार यादव ने फ्लॉप प्रदर्शन किया है। एक भी ऐसी इनिंग नहीं थी जिसमें सूर्य कुमार यादव ने 50 लगाया हो। तो ऐसी परफॉर्मेंस के बाद सूर्य कुमार यादव का बाहर जाना लगभग तय है और उनकी जगह टीम संजू सैमसन को जरूर मौका देगी। अब दोस्तों दूसरे खिलाड़ी के रूप में आपको एक ऐसा खिलाड़ी बाहर होता दिखेगा जिसकी न तो कोई परफॉर्मेंस खराब है और न ही कोई गलती है, फिर भी दोस्तों इस खिलाड़ी पर गाज गिरना तय है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात अक्षर पटेल की कर रहा हूँ। टीम में अक्षर पटेल की जगह शार्दुल ठाकुर या उमरान मलिक को मौका मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर मैच खेला जाएगा उस पिच की रिपोर्ट देखें तो वहाँ फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिलती है, जिसके चलते अक्षर पटेल का बाहर होना भी लगभग तय है। बाकी टीम में देखें तो इन दो बड़े परिवर्तन के अलावा दूसरा कोई परिवर्तन नहीं दिखता। अगर तीसरे ओडीआई मैच की प्लेइंग 11 देखें तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपको ओपनिंग करते दिखेंगे, तो नंबर 3 पर आपको विराट कोहली, नंबर 4 पर संजू सैमसन और नंबर 5 पर आपको केएल राहुल नजर आने वाले हैं। बाकी नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर रविंद्र जाडेजा, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर और नंबर 9 पर कुलदीप यादव और नंबर 10 पर मोहम्मद शमी और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज आपको खेलते दिखने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।